वाटरफॉल के दर्शन कर लो, पारसा वाटरफॉल, नजारा ही नजारा। ये देखो भाई, हमें जंगल में एक पेड़ मिला, पलम का फ्रूट है ये, और ये हमारे भाई साहब तोड़ के दिखा रहे हैं यहाँ पे कैसा होता है। ये देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। अरे दिखाओ यार, अरे ये तो पलम तुम कहते हो, ये तो हमारे यहाँ वो कहते हैं यार इसको, इंग्लिश में भी पलम ही बोलते हैं। नहीं, हमारे यहाँ इसको कुछ और कहा जाता है, वो दूसरा होता है। अरे नहीं यार, यही है सेम, ये आलू बुखारा कहते हैं अपने को यहाँ पे। आलू बुखारा ही है, तुम यहाँ पे पलम कहते हो, हमारे यहाँ आलू बुखारा ही कहते हैं इसको। हाँ पता नहीं, लेकिन टेस्टी है यार, जंगल का अपना ही मजा है। हाँ लाल से ले, देखिए कभी नीचे भी ना जाए, नीचे खाई बहुत है, कदे खाने के स्वाद में। बड़े टेस्टी है यार। कैसा लगा आपको ये पलम? एक नंबर का मजे आ गए भाई पार्किंग में। अब देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है हमें इस जंगल में। एंजॉय ना हो, सभी तरह जंगल ही जंगल है। और हमारे भाई साहब कह रहे हैं यार टाइगर वगैरह भी मिल जाते हैं, तो वो देखने हम आए हैं इस जंगल में। देखते हैं विक्की जी कहाँ तक मिलेंगे। ऊपर जाना पड़ेगा भाई, ऊपर चल रहे हैं हम, देख रहे हैं, करेंगे दर्शन। मेरे को बोलो दोस्त, बोलो यार कुछ तो बोलो, कैसा लग रहा है सफर है? एक नंबर भाई। विक्की कुछ दो विचार यार आपके शहर में। हम कौन सा वाटरफॉल जा रहे हैं बताओ। पारसा वाटरफॉल, क्या नाम है? पारसा वाटरफॉल। कैसा वाटरफॉल है ये बताओ? पारसा। तीस मिनट का जाके दिखाएंगे वहां जाके दोस्तों, सेब के दुकान दिखाएंगे। 30 सेकंड से ऊपर की ना करियो फिर। ये हमारे विक्की जी थोड़ा बिजी हो गए हैं, मैडम का फोन आ गया कोई। ये देखिए विश कर रहे हैं उसको जंगल में भी। हेलो, मैं पारसा वाटरफॉल घूमने। आई होप कि आपको आवाज आ रही होगी। कहाँ हो आप? एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, और ये सेब के पेड़ है, पूरा मस्ती भरा दिन रहा आज हमारा भाई जी। और किसी को लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, हमारे इस विक्की जी को जरूर शेयर करो, जो जंगल के अंदर भी पूरा मजा ले रहे हैं, गर्लफ्रेंड भी साथ में और एंजॉय भी साथ में और फ्रेंड भी साथ में, जिंदगी के नजारे तो यही ले रहे हैं। हेलो, कैसे हो? कैसे हो? दर्द है। इनके चैनल को जरूर फॉलो करो। ये हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि आपको एक स्पेशल पत्ता खुवाएंगे यहाँ का, वो क्या चीज है देखते हैं, ढूंढ रहे हैं ये, अभी नहीं मिल पाया इनको, फिलहाल हम चले जा रहे हैं एक ऊंची चढ़ाई पे। जंगल में पक्षियों की कितनी मनोरम आवाज है। जंगल में घूमने का भी एक अपना ही मजा है, उसमें बहुत शांति, पक्षियों की चहचहाट और पूरा मौज मस्ती। अरे शर्माना क्या है, खाओ पियो मस्त रहो यार, जिसने जो खाना है खाओ। लो दोस्तों आखिर हम पहुंच ही गए पारसा वाटरफॉल, बहुत ही सुंदर दृश्य और बहुत ही ठंडा एरिया है यहाँ पे।
हेलो बस थोड़ी सी चढ़ाई और हेलो दोस्तों हम चल रहे हैं ऊपर चढ़ाई पर थक चुके हैं पर फिर भी चले जा रहे हैं। लो भाई पहुंच गए हम पारसा वाटरफॉल मनाली। लो जी कर लो दर्शन बहुत ही सुंदर दृश्य और ठंडा वातावरण गर्मी के सीजन में भी लोग यहाँ पूरा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो क्या ठंडक है। ये देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा पारसा वाटरफॉल का। ये देखो ऊपर से ठंडी महक। ये हमारे सैफ मुनीश जी और ये हैं हमारे विक्की साहब। ये वाटरफॉल पारसा वाटरफॉल मनाली बहुत ही सुंदर दृश्य। मरेगा मरेगा पक्का। भाइयों ये है पारसा वाटरफॉल बहुत ही सुंदर दृश्य है लेकिन हम बुद्धिजीवियों की वजह से यहाँ नुकसान भी काफ़ी हुआ है और उसका आपको साक्षात दर्शन करवाता हूँ। देखो कैसे यहाँ गंदगी फैला रहे हैं बियर दारू वगैरह पी के और गंदगी फैला रहे हैं। तो कमेंट जरूर करें क्या ये सही है। देखिए लोग इंजॉय करने आते हैं इंजॉय कीजिए लेकिन ये गंदगी क्यों कौन इसको उठाएगा यहाँ से।
पारसा वाटरफॉल पे नजारा आया, बहुत ही मजा आया, एंजॉय किया। अब हम वापस चल रहे हैं नीचे की तरफ, फुल एंजॉय। ये देखो फुल मस्ती की हमारे स्टाफ ने और हम चले अब होटल की ओर। अब हम आपको ले चले मनाली के सेब के जंगलों में। देखिए कितने सुंदर सेब हैं, अभी तो कच्चे हैं, हरे हरे, लेकिन नज़ारा आ गया यहाँ सेब के पेड़ देख के। हमने अपनी लाइफ में सेब के पेड़ पहली बार देखे हैं यहाँ, और पूरा जंगल सेब से भरा हुआ है, अलग अलग बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे को यहाँ पे, और बहुत इंजॉय मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। ओके सर। और अब देखिए ये आ गया नाशपति का पेड़, ये लगी हुई है इस पे, ये भी है यहाँ पे पलम, सेब, नाशपति, बहुत से पौधे हैं फल फ्रूट के। एक मनोरम दृश्य है, एक नज़ारा, वाकई अगर कुदरत है भाई यहाँ है, आइए हमारे साथ और एंजॉय लीजिए पूरा, पूरी मस्ती। यहाँ से देखो कितना विहंगम दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, देखो ब्यास नदी और मनाली का ये मनोरम दृश्य। अरे बता अपने यहाँ के एरिया के बारे में, ये जंगल में जो सेब वगैरह है इसके बारे में बता यार। चल इनसे पूछियो फिर, चल तू पूछना, चल मैं वीडियो बना रहा तेरी। दोस्तों हम आए हैं यहाँ, देखते हैं, पूछते हैं कुछ। रुक जा, नहीं बता पा रहे हैं ये, बोलते हुए शर्मा रहे हैं हमारे दोस्त। बताओ यार अपने, ओ ये इतना मोटा पेड़ ये किस चीज का, पहले ये दिखाओ भाई मैं बहुत। ये तो पलम है, लेकिन कुछ अपने एरिया के बारे में, अपने बारे में कुछ तो बताओ यार, ऐसे तो गलत बात होगी। हमारे गुरु जी आए, बता देंगे आपको, ये बताइए से पूछ लो, ये बता देंगे आपको। नहीं नहीं उनको तो नहीं पता, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने। ये क्या चीज है, निकाल के खा सकते आप? क्या चीज है ये, खाओ देसी है, चल चेक करो इसको खा के। चल देखते हैं भाई ये क्या चेक करवा रहे हैं, इसको कहते क्या है? सेब है देसी, जो सेब है ये लग तो बहुत छोटा सा रहा है उसको, ये नीचे चढ़ा रखा ना वो क्या तो नाम, अरे तो टूट भी नहीं रहा यार, कलम नहीं चढ़ा रखी इसको, बिना कलम वाला है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बताओ जंगली मेवा है, कौन सा पेड़ है ये? जंगली मेवा, जंगली मेवा का। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए आड़ू का पेड़ भी है यहाँ पे, अभी तो कच्चे हैं, कच्चे तो रहेंगे अभी तो, ये कौन से महीने में तैयार हो जाते हैं? ये होते हैं सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर में, ठीक ठीक है जी, गुड लक।